दहशत का नगरी राज्य किसान योजते पर दूसरे जो पेशेंट जो गब हो गया था जनरल केसेस आने तहा ए एन जी सेंसिटिव केसे हम डिस्कस भी किया है तहा कैसे मात पिता ना मर्दम थी शेल्टर होम या ओल्ड एज होम आ दिया और बाजे ने दस हम चिस्त कनते जो शिव बाजे सोशल मीडिया कैसे वीडियोज़ वायरल होते गए कि मात पिता सारा दस चिस्त कनक बह गए और फकत हमें हाथ रहा कि यानी जायदाद ए सारा कब्जा जस्ते मर्दम बिकनते तो इंतहाई अफसोस और कमज़रफी ये कैसे मुजाहरा मर्दम चुशकनते बाय दे कि ये जो कमज़रफी मर्दम आए ना खुदा ताला कैसे हिदायत बिदा या कैसे है ना तौफीक बिदा कहती मात पे ते खिदमत अबायद बिकना कि आए ना पूरे जिंद कैसे वती पूरे अमाक्षी ना वती जवानी या कैसे खर्च करन ते घोड़ा वती एक जवान चौक के कैसे देमा गिंदन ते तो हमारा जवान चौक जब आइए कैसे पूरे जवानी खिदमत कदरा मका तो इंतहाई अफसोस बिते बहरहाल जनरल केसेस आने हवाले चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड लेबर हवाले हम डिस्कस करें कि आई हवाले छिका केसेस का है इन जनरल केसेस में चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से कितने केसेस आते हैं तकरीबन क्योंकि पाकिस्तान के हालात जिस तरह चल रहे हैं यहाँ लड़का या लड़की मैं जेंडर को वो नहीं करूँगी इक्वालिटी की बात की जाए दोनों महफूज नहीं हैं हम बच्चे बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है कि इस तरह के जो है ना बेशुमार वाक़ियात होते हैं और चाइल्ड लेबर के हवाले से चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से देखिए चाइल्ड लेबर तो वैसे ही हमारे पाकिस्तान में ममनू है कि आप छोटे बच्चों को जो है ना वो काम पे नहीं रख सकते लेकिन फिर भी वही लेकिन आप उसके बावजूद देखें आपको होटलों पे वर्कशॉप्स के अंदर फैक्ट्रीज़ के अंदर आपको छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आएंगे देखिए ये तो हमारी लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए और ऐसे लोग जो छोटे बच्चों को काम पे रखते हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करें जो ना लेकिन ये है कि हमारे यहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है और गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि जो है ना लोग परेशान हैं जो ना अब उनके पास इतनी वसाइल नहीं है कि वो अपने बच्चों को जो है अच्छी से अच्छी तालीम दे दें अब ये कम से कम हमारी हुकूमत को जो है ना एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादातर जो है ना वो फोकस करना चाहिए कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनके जो है ना मेयार तालीम को बेहतर बनाया जाए ताकि वहाँ पर बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर सकें तालीम मिले जो ना और दूसरी बात यह है कि यहाँ बच्चों को जो है ना स्कूल की यूनिफॉर्म उसकी किताबें और मैं समझता हूँ कि उसको पाबंदी लगाया जाए और वालदेन को पाबंद किया जाए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर कोई वालद जो है ना बच्चों को स्कूल नहीं भेजता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उसको नोटिस होना चाहिए ताकि जो है ना वो बच्चों को स्कूल भेजे जो ना अब यहाँ पर साफ ज़रा जो है ना वो जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं माँ बाप उसको काम पर लगा देते हैं उनको जो है ना पैसे मिल रहे होते हैं तो वो इस बात का वो नहीं करते। दूसरी आपने चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से बात की चाइल्ड अब्यूज़ तो साफ जहर है यहाँ पे बेशुमार इस तरह के वाकयात होते हैं लेकिन लोग ना रिपोर्ट नहीं करते वो ये जो जितने भी केसेस आगे आए हैं वो भी मतलब मैं समझती हूँ बाय चांस आए हैं बाय चांस या वो हमारी मीडिया के एफर्ट्स के आए कि ऐसी कोई चीज आई और मीडिया ने उसकी निशानदेही की उसको अदरवाइज रिपोर्ट या कोई भी FIR दर्ज नहीं करता कोई रिपोर्ट नहीं करवाता। अब असल में बात ये होती है लोग अपनी बदनामी से डरते हैं उनको पता है कि बच्चे के साथ अगर इस तरह कोई वाकया हुआ है अगर हम कल को कोर्ट में इसको लेके जाते हैं या इसकी कुछ छुपाते हैं जो ना उनकी माले में बदनामी हो लेकिन मैं कहता हूँ उसे छुपाना नहीं चाहिए ऐसा कोई वाकया होता है तो फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट करो ऐसे लोगों को जो है सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को पनिश किया जाए वजह है शायद ये अब तक केसेस और बढ़ते जा रहे हैं क्यों क्योंकि हम खामोश हैं हम इवन आप दुनिया की बात करते हैं इवन फैमिली में किसी को ना बताया जाए कि चलो जो है ना बच्चे के साथ जाती हुई तो ये क्या होगा कि बच्चे एक आप अपने बच्चे को सेव कर रहे हो उसके चक्कर में बाकी नेक्स्ट जो निशाना बनने वाला होता है उसे आप बचा नहीं पाते हो। नहीं बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा आगे जो है ना हमारा जो पुलिस का जो सिस्टम है ना यहाँ भी एक बड़ी जो है ना वो लेकिन है कि आपकी जायद FIR भी नहीं करती जी। अभी मैंने इस शख्स का आपको बताया कि इसके घर में 6 लाख रुपये डकैती हुई इसकी घर पर उनने फायर किया इसकी बीवी जो है ना बाल बल बच गई विद इन टाइम उनने 15 पे कॉल किए विद इन टाइम थाने में अप्लीकेशन दी है। आज मेरे ख्याल में 31/5 का वाकया है आज हम जो है यहाँ पे 4 जुलाई के अंदर जाना बैठे हुए बात कर रहा हूँ मैं अभी तक उसकी FIR नहीं काटी है और ये शख्स 15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं अपना ईद के बाद से आया है कंटिन्यूसली लगा रहा है 15 दिन से उससे पहले भी गया है और अभी भी कहते हैं काट देंगे आज नहीं कल करेंगे तो अभी मैंने उसको कहा कि आप अप्लीकेशन लेके आए मैं आपको कोर्ट से ऑर्डर करवा के देता हूँ। तो जब यहाँ लोगों की जायज़ FIR नहीं कटती है जायज़ उनका मामला नहीं होते तो एक एक अगर किसी के साथ ज्यादती हो जाए तो आगे जो पुलिस का जो निज़ाम है कि वो बजाय जो है ना आपकी हेल्प करने के वो आपसे सवाल करते हैं कि ये बताएं कैसे हुआ था कब हुआ था आपके बच्चे की इसके साथ दोस्ती थी कैसे इसको लेकर गया मोबाइल पर बात होती थी स्कूल में पढ़ते थे क्या हुआ। देखिए सबसे यह है कि हमने लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए हमने आसानियाँ पैदा करनी है यहाँ पे हमारी पुलिस अब अगर पैसे काम नहीं करती क्या ये किसी को नज़र नहीं आ रहा हर बंदे को पता है कि जब तक पैसा नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा।
तो इसके ऊपर जो है ना हमें चेक एंड बैलेंस रखना है, करप्शन को ख़त्म करना है। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे लोग भी हैं पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, लोगों की मदद भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं। लेकिन इसकी निशानदेही हम करें जो ना, उनके अफसरान को बताएं, उनके लोगों को बताएं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो क्या इसके ऊपर करप्शन का हमें खात्मा करना चाहिए, लोगों के जो काम है मेरिट पर करने चाहिए, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज नहीं होने चाहिए, और साथ साथ अगर कोई विक्टम है, कोई किसी के साथ ज्यादती होती है, अगर वो उसका मामला जैनियन है तो आप फ़ौरन उसकी हेल्प करें, कानून उसको को हरकत में आना चाहिए। यहाँ लोगों के जायज़ काम नहीं होते जाना, अब उसके बाद लोग क्या करेंगे जाना, फिर कानून को हाथ में लेते हैं जाना, फिर जो है वो फिर एक और जो है ना मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी रियासत की करने की, चाइल्ड लेबर हो गई, चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, या ये जो देखिए फैमिली डिस्प्यूट की तो हम बात कर रहे थे, ये तो इंसान खुद भी बैठ के हल कर सकता है, और अगर नहीं तो उसके लिए फैमिली कोर्ट्स बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर उसको सेटल करवाते हैं। फैमिली कोर्ट्स के अंदर भी यही होता है कि वहाँ पे भी जो है ना वो जजेस जो है, जो हमारी खवातीन जजेस जो हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आप कोशिश करें कि इनकी जो है ना मुसालत करवाने की कोशिश करें, और वहाँ पर जो एक प्री ट्रायल का एक स्टेज आता है केस के अंदर, उसको मुसालियत की पेशी कहते हैं हम जो है, जब भी कोई ऐसा खुला का केस होता है या मेंटेनेंस डावरी का, तो उसके ऊपर भी जजेज जो है ना दोनों को बिठा के उनकी बाकायदा प्रॉपर चैम्बर के अंदर जो है वो वकला नहीं होते, वो दोनों की ग्रीवेंसेस सुनते हैं। वहाँ भी हमने देखा कि वो समझाने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जो लड़की वहाँ पर आती है, जो उसको ट्रेन किया जाता है, जो उसको बताया जाता है, वो वहाँ पर उन अपने लोगों की बात मान रही होती, लेकिन उसका अपना दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। अगर जज उसको कहे कि जी आप जो है ना वो इसके साथ वापस चली जाएँ, या आपकी शरायत मानने को तैयार है, आपको तंग नहीं करेगा, तो वो कहे नहीं जी मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे तो नहीं रहना है। तो इस सूरत में भी जो ना हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे मफाद में है, कौन सी चीज़ हमारे ख्याल में है। अगर हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो वो बच्चे जब हमारे अनपढ़ होंगे, सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करेंगे, उनकी औलाद भी फिर अनपढ़ होगी जो ना, वो आगे फिर अपने ख़ानदान को कैसे जो ना वो सर्वाइव करेंगे, क्योंकि उनके पास तालीम नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी किसी भी जगह चले जाए, किसी भी मुल्क में चले जाए, कहीं भी चले जाए, उसको नौकरी मिल जाती है, एक अनपढ़ आदमी उसको मिलेगी मजदूरी जो ना वो मजदूरी करेगा। तो ये वालदेन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके पास वसाइल नहीं थे या उनने किसी वजह से नहीं पढ़ा, तो कम से कम वो अपनी औलाद को एक अच्छी तालीम दे जाएँ, ताकि जो है ना वो बच्चे आगे चल के एक अच्छे शहरी बन सकें, और जो है ना उनकी नस्ल को चला सकें, और इस मुल्क के लिए और अपने ख़ानदान के लिए, अपने जो है ना उसके लिए एक बेहतर जो है ना रोज़गार भी हासिल कर सकें। ये हमारे जो है ना सब पढ़े लिखे जो बच्चों के वालदेन हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर बात वही आती है कि हमारी माशी हालात कैसे हैं, हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं, जो है ना इसके बावजूद भी जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है इंसान के ऊपर, लेकिन कोशिश आप करें, कोशिश करने से मेरे ख्याल में जो है ना कोई काम आपका रुकता नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा, एज एन एडवोकेट आप माशरे की बेहतर तश्कील के लिए क्या समझते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्योंकि नाउडेज जिस तरह तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इंसानियत नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं मरती चली जा रही है, अखलाकियात तो ना होने के बराबर, फिर तरबियत का एक बहुत बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ। उस फुकदान की अगर बात करें, तरबियत के फुकदान की, तो हमें हर जगह दिखाई देता है, दरसगाहों में भी, घरों में भी। अब हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ डिजिटल, ऐसा लग रहा है कि हम रोबोट बनते जा रहे हैं, हसासियत मर रही है, मतलब इंसान से हम रोबोट बनते जा रहे हैं, हमें हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की नीड है, हम डिपेंडेंट हो गए हैं, प्लस हम हर रिश्ते को भी उसी जाविये से देखने लग गए। तो एज एन एडवोकेट आप ज़िंदगी के जाविये को कैसे देखते हैं और किस तरह एक बेहतर माशरा तश्कील दे सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे ख्याल में बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, और आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें जो ना, अब माशरे में बेहतरी लाने के लिए कोशिश करें जो ना, जिस फील्ड के अंदर हैं आप उस फील्ड के अंदर रहते हुए भी आप लोगों की भलाई का काम कर सकते हैं। अगर मैं एडवोकेट हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि अगर किसी के साथ मैं देखता हूँ कि जुल्म ज़्यादती हो रही है, किसी के पास फीस नहीं है, उसकी मैं हेल्प कर दूँ, अगर कोई शख्स बेगुनाह बंद हो गया है मैं उसकी हेल्प कर दूँ। देखिए वो हम करते हैं, ऑलरेडी हम करते हैं जो ना, ताकि जहाँ हमें पता चलता है कि कोई शख्स बेगुनाह बंद हुआ है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है, हम कोशिश करते हैं जो ना। ठीक है, तो हर शख्स की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके ज़िम्मे जो जो काम है उसको जो है ना, अगर वो सही तरीके से ईमानदारी से, मेरा ये काम है, मैं झूठ नहीं बोलूँ, किसी के साथ ज्यादती नहीं करूँ, किसी का हक नहीं खाऊँ जो है ना, किसी के साथ जो है ना वो
लड़ाई झगड़ा नहीं करूँ जाना, किसी को गाली नहीं दूँ जाना, जो मेरे जिम्मेदारी बनती हैं, और मैं लोगों को जो है अच्छाई की तरकीब दूँ कि आप अच्छाई फैलाएं और जो है ना अच्छे काम करें, जो है ना नेकी के काम करें, वेलफेयर के काम करें। एक हर शख्स की जो है जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करें। अगर कोई पुलिस वाला है तो उसको चाहिए कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, वकील है वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, अगर कोई सरकारी अफसर है वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे, अगर कोई जर्नलिस्ट है तो उसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी आवर के अंदर अपनी ईमानदारी से काम करें, तब जाके जो है ये माशरा हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हम जो है अगर अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दें, अगर किसी को और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, तो वो यकीनन जो है ना हम एक सुकून के अंदर भी आ जाएंगे और अपनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से वो करेंगे। अगर मैं नहीं कहूँ जी मेरी जिम्मेदारी तो नहीं, मैं नहीं कर रहा तो दूसरा करेगा, तो इस तरह जो है ना हमारा माशरा ठीक नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, जिम्मेदारियाँ और सिंसेरिटी, ये एक ऐसी बात है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जानें, पहचानें कि भाई आपने करना क्या है और आपने किस तरह ज़िंदगी को आगे ले जाना है। अगर आप ये समझ गए किसी भी फील्ड में आप हैं और आपने सिंसेरिटी से अपनी फील्ड को टाइम दिया, अपनी ड्यूटी निभाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, तो यकीनन माशरा बेहतरी की तरफ आ सकता है। और ये बेहिसी तब ख़त्म होगी जब हम अपने अंदर एहसास का दिया जलाएं तो सही, कोशिश तो करें। हमने तो ख़ुद को बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि आंखें बंद और मुंह बंद और कान बंद करके बैठ गए हैं कि जी जो हो रहा है होने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। ऐसा अगर चलेगा तो आगे ज़िंदगी बहुत अजीरन होगी, हम अपने लिए खुद ही मुश्किल को दावत दे रहे हैं। तो सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। खैर, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। यहाँ लियाकत साहब जाना वो हमारे साथ इतने ही वक्त के लिए थे, तो बहुत शुक्रिया आपने हमें एक घंटा भी आपने दिया, क्योंकि आपकी लाइफ को देखकर मैं खुद पर्सनली कभी कभी सोचती हूँ एज एन एडवोकेट, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मेरा ख्याल है एक लर्निंग प्रोसेस आप लोगों का कंटिन्यू ही रहता है, सबका चलता रहता है कंटिन्यूसली जो ना। और ऐसा ऐसा देखिए जिस तरह जो है ना वो एक एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, इंसान एक नई नई चीज़ आती है सामने उसको सीखने की कोशिश करता है। स्पेशली माशरे से रिलेटेड, बिल्कुल जो है ना नई नई चीज़ें जो है ना सीखने को मिलती हैं, नए नए वाक्यात सामने आते हैं, तो इंसान खुद दंग रह जाता है, उसकी अकल हैरान रह जाती है उसकी, ये हुआ कैसे जो ना। खैर, बहुत शुक्रिया, आपका वक्त बहुत कीमती है हमारे लिए, वक्त सभी का कीमती होता है। और अगर कोई शख्स इस दौर में वक्त निकाल के किसी को वक्त दे, किसी के साथ बैठ के बात करे और स्पेशली अवेयरनेस के लिए, तो वो बहुत मायने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इदा कैसे, मैं गुमा लियाकत साहब कैसे, अमित का हद तक बीता, लेकिन मैं मरागिश कैसे देवा कंटिन्यू भी तक आसानी ऊँचते रे मगर में ऊँचते छिपत काएँ साड़ी में शुमे जुमा का पुत्रा ने रेदा मा दबर जा तारी मैं गुमा।